Good morning, everyone. So, kids, how are you all? Hope you all are doing well. So, today I'm here again with some rhymes for you. Okay. पोएम्स मैंने आपको बहुत सारी सुनाई हैं, भेजी हैं. आई होप आप सारी पोएम्स लर्न कर रहे होंगे. आई एम श्योर आपने की होगी. बिकॉज बेटा देखो, पोएम लर्न करनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो पोएम आनी तो ज़रूरी है. ठीक है, छोटी छोटी पोएम्स हैं तो अब तक आपने शायद काफ़ी लर्न भी कर ली होंगी. इतनी सारी पोएम्स गई हैं आपके पास. सो एक पोएम आज फिर जा रही है आपके पास. लिसन इट केयरफुली, एन्जॉय इट एंड लर्न इट, राइट. So, the heading of this poem is Jack and Jill. ये जो poem है एक दो भाई बहनों के बारे में है. एक का नाम Jack और एक का नाम Jill है. लड़के का नाम Jack है और लड़की का नाम Jill है. Both of them are siblings, यानी brother and sisters हैं, sister हैं. अब ये क्या है, पहले मैं आपको poem पढ़ाऊंगी, उसके बाद meaning बताऊंगी. ठीक है, so let's start with the first one. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. So Jack and Jill are brother and sister who went up the hill, जो एक पहाड़ पे चढ़ते हैं दोनों मिलके. क्यों जाते हैं? To fetch a pail of water. To fetch a pail of water means पहाड़ के ऊपर में एक कुआं है, वहां पे वो अपनी बकेट लेके जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं जिसे हम कहते हैं पानी भरने के लिए. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. और पानी भरने के बाद जब वापस वहां आते हैं तो उसमें क्या होता है, अचानक जैक का पैर स्लिप हो जाता है और वो टंबल होके रोल होके नीचे गिर जाता है. वो रोल होके नीचे तक आ जाता है और उसे चोट लग जाती है. ऐसे होते होते थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि उसकी बहन जिल भी ऐसी, उसका भी पैर स्लिप हो जाता है और वो भी स्लिप होते हुए रोल होते हुए नीचे आ जाती है और बाल्टी बकेट का सारा पानी उनका बह जाता है. सो दिस इज द पोएम. इज फिर से हम पढ़ेंगे. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Right? ऐसे गाते हुए लर्न करो. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. ठीक है, तो लर्न इट बाय हार्ट, इट मिरर के सामने जैसे मैंने आपको बताया खड़े होके एक्ट करके लर्न करो, जल्दी लर्न होगा और फाइनली मम्मी पापा को सुनाओ. ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.